जिन लोगों को एक्चुअल लैंग्वेज में जलन हो रही है, जो एक ही रास्ता है पुलिस पुलिस थाना कोर्ट कचहरी सारी चीजें सी के बाप का नहीं खा रहे हैं। एक चीज है ना हिट की कि यार बहुत हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे बैठकर क्यों शूट कर रहा हूँ व्लॉग, वो भी व्लॉग तो रैंडमली ऐसे शूट किया जाता है, ऐसे शूट किया जाता है। तो आप लोगों ने वैसे कंटेंट देख ही लिया होगा और कंटेंट से सब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा डिवोर्स का, तो बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो उससे पहले मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं जो कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि अब टाइम है उस चीजों को बताने का। तो हुआ यूं कि कुछ दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ऋषिकेश वाले व्लॉग्स वगैरह शेयर ही कर रहा था, मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा मूड अपसेट था, बहुत सारी चीजें थी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें एक लिमिट तक सहते हैं चीजें, कि भाई चीजें ठीक हो जाएंगी ठीक हो जाएंगी ठीक हो जाएंगी, पर वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो वो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि हम यहाँ से गए और आप लोगों को पता ही है कि स्टूडियो पे हम कैसी लाइफ जी रहे थे, कैसी सारी चीजें कर रहे थे, सब कुछ इतना अच्छा सुकून से था। और घर पे भी गए तो घर पे जाने के बाद अब एकदम से सस्पेंस था लोगों के लिए कि एकदम से हम कहाँ गए, और सिर्फ लोगों के लिए नहीं, इवन हमारे सो कॉल्ड रिश्तेदार जो आ जाते हैं ना, अब वो हर किसी के साथ ऐसा ही होता होगा, हर किसी के साथ। घर पे जाने के बाद सब में पूरे में एक तो तहलका मच गया रिश्तेदारों में, ओहो ये यहाँ पर कैसे आ गए, ये कैसे रहने लग गए। वो आप बताने का रीजन ये है, और मुझे ये भी पता है कि वो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए, देखो वो मेरा अपना घर है, मैं चाहे यहाँ रहूं चाहे मैं वहां रहूं, मैं अपनी फैमिली में अपने परिवार में कहीं पे भी रहूं, ये भी मेरा घर है वो भी मेरा घर है। और मैं अपनी मर्जी से आया था यहाँ पे रहने के लिए, जब बहुत सारा झोल चल रहा था, इन द सेंस कि एक तरह से वो शोर शराबा वो सब चीजें, मुझे एक एकांत में शांति चाहिए थी, एक माइंड को पीसफुल मुझे रखना था। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आकर रहने लगा, और यहाँ रहते रहते यहाँ की आदत हो गई, फिर शादी के बाद में यहाँ पर ही रहने लग गया। लेकिन जब मुझे इस चीज का रियलाइज हुआ कि अब वो टाइम है, मम्मी को टाइम देना है, बहुत सारी चीजें हैं जो फैमिली में चीजें ठीक करनी है, अपने घर की हालत सुधारनी है, या और भी काफी सारी चीजें जो प्लान है वो सारी चीजें करनी है, तो मुझे मेरे घर वापस लौटना चाहिए। तो मैं गया, तो मैं किसी से पूछ कर नहीं गया और ना मैं ना कभी पूछूंगा किसी से, वो मेरा घर है और हम अपने घर में रहेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरे घर में मेरे बहन भाइयों को, मेरी माँ को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रत्ती भर भी सब ये चाहते हैं और वो तरस रहे थे कि भाई हम यहीं पर ही आए, यहीं रहें, उनके साथ रहें, तो सब बहुत खुश हैं। लेकिन ये रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार में आप समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो जिन लोगों को सबसे ज्यादा जलन हो रही है, जिन लोगों को एक्चुअल लैंग्वेज में जलन हो रही है, तो भाई जलते रहो, जलने से मुझे कोई रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मैसेज उन लोगों के लिए ये है, आप खुद भी शांति से रहो और हमें भी शांति से रहने दो, नहीं तो अदरवाइज ये छोटे मोटे जानबूझ के किए गए पंगे ना, और फिर जब ये कहीं ऐसा ना हो कि वो आप पर ही भारी पड़ जाए। तो सिर्फ मेरा कहना ये, मैं शांति से प्यार से भारी इन द सेंस की कोई गलत लैंग्वेज में भी लेके जा सकता है, भारी इन द सेंस की मैं लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, मैं सीधा फिर जो एक ही रास्ता है पुलिस पुलिस थाना कोर्ट कचहरी सारी चीजें फिर यही होगी, एक बार में उन चीजों को क्लियर करके खत्म। आप भी शांति से लाइफ जियो, अगर आपको अपनी लाइफ ढंग से जीनी है परेशान नहीं होना, और हमें भी हमारी लाइफ जीने दो, हम अपने घर में जो चीजें करा रहे हैं हमारा घर है, हम अपने घर में कुछ भी चेंजेस कराएंगे, कुछ भी चीजें करेंगे, किसी के बाप का नहीं खा रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे हैं, सब जिनको जो बोलना है हमारे बारे में, जिसको जो भी कुछ भी हमारे मेरी माँ के बारे में गंदा संदा, या हमारे बहन भाइयों के बारे में, किसी के बारे में भी कुछ भी बोलना है बोलो, उनका मुंह है तुम्हारा मुंह है, कुछ भी बोलो, अंड संड बोलो, कुछ भी बोलो, कर्म में तुम्हारे जुड़ेगा हमारे नहीं जुड़ेगा। मैं बहुत शांति से काम करने वाला बंदा हूँ, और जब मेरी शांति भंग होगी, मैं एक लिमिट तक सारी चीजें सहता हूँ, और जब मेरी शांति भंग होगी तो मैं फिर ऐसा नाक में दम करूंगा ना कि नाचते हुए नजर आओगे, बिल्कुल सांस लेने के लिए फुर्सत नहीं होगी, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। जब एक शरीफ इंसान जब अपनी शराफत छोड़ता है ना, तो फिर वो नचा देता है बुरी तरह से। तो बस मेरा यही कहना है आप लोगों से। और रही बात दूसरी आ जाती है डिवोर्स की, जो डिवोर्स वाला कंटेंट था, तो एक है रजनी वेरी नाइस ठाकुर करके, तो और कुछ
मेरे प्रिय सब्सक्राइबर भी हैं, जिन लोगों का मोस्टली क्वेश्चंस ये हो गया है कि रितु के हबी नहीं दिख रहे, रितु के घर ससुराल वाले नहीं दिख रहे, तो मैं आप लोगों को बता दूं। तो गाइज ये देखो, हम्बल मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है यार, हर जरूरी नहीं होता कि हर एक चीज सोशल मीडिया पे शेयर की जाए, और कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो चीजें आपके दिमाग में आ रही है, हर किसी चीज को शेयर करने का टाइम होता है। जरूरी नहीं है कि हम हर सारी चीजें सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, अपनी लाइफ का पार्ट हर कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं। देखो मैं अपनी जो लाइफ का पार्ट वो शेयर करता हूँ आप लोगों से, ये बस सिर्फ ये कि हम अपनी फैमिली के साथ कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय सारी चीजें पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। देखो लाइफ में प्रॉब्लम हर किसी के साथ रहती है, कोई आज के टाइम पे सुखी नहीं है, लेकिन उन चीजों को टैकल करके कौन कितना खुश रह पा रहा है, कितना पॉजिटिव है, वो सारी चीजें आप लोगों को शेयर करता हूँ। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, हम भी किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को फेस करने, मतलब उस प्रॉब्लम को एक तरह से हम फेस करके फाइट करते हैं और एक तरह से इग्नोर करते हैं। जब हम इन सब चीजों को इग्नोर करेंगे, वो चीजें हम आप लोगों को शेयर करते हैं, वो हमारा लाइफ का वो पार्ट है, हम पीसीएस वो चीजें शेयर करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डीप हम रोना धोना ही करते रहे, या किसी कोई किस चीज से हम परेशान है, या हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। मेरे घर में मैंने बचपन से बहुत ही कलेश देखा है, बहुत ज्यादा। मैं ट्रांजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांजिशन को लेके बिल्कुल भी मत सोचना, हर चीज के लिए प्रॉपर्टी फलाना ढिमकाना क्या, बचपन से अपने भाई जो मेरे रिश्तेदार है ना, सब मेरे लिए एक तरह से, मैं किसी से क्रॉस है, मैं किसी से कोई बात नहीं करता, किसी से कोई मेरा लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। शुरू से ही जब मैंने उनको बचपन से ही देखते मैंने देखा है, सब मतलब ही है, सब। मैंने सिर्फ अपनी माँ का ख्याल रखा, अपने माँ के बारे में सोचा, और सारी चीजें सोचते हुए सब मैंने समझदारी से सारे काम किए अपनी जिंदगी में। मैंने कोई ऐसा कभी ऐसा वो नहीं किया कि जैसे मेरे माँ बाप का नाम खराब हो, कुछ भी चीज़ है। मैंने डेडिकेटली सारी चीजें की है, मैंने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, सब चीज अचीव की है, सब लोगों आप लोगों के सामने है, और जो चीज है वो मैं मुंह पे बोलता हूँ, और मेरे सामने भी खड़े हो जाए तो भी मैं मुंह पे बोलूंगा। जो मेरे दिल में है वही चीजें मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। कुछ ऐसी चीजें पर्सनल होती हैं जो एक टाइम होता है शेयर करने का हर चीज का। मैं चाहता तो मैं आपको शेयर भी कर दूं, लेकिन रितु है वो कहती है कि नहीं अभी कुछ टाइम बाद लोगों को रिप्लाई करना है। मैंने उससे बोला भी कि यार सब लोगों के कमेंट्स आते हैं कि पूछते हैं ऐसे सारी चीजें हैं, तो कहती है अभी नहीं, थोड़े टाइम में हम सारी चीजें शेयर करेंगे, डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो प्लीज मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे और डेफिनेटली आप करेंगे। जो भी कमेंट करते हैं, आप लोगों की भी पर्सनल लाइफ है, हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, तो हम जरूरत से ज्यादा अगर किसी की डीप पर्सनल लाइफ में जाते हैं तो हर किसी को थोड़ा बहुत इशू होता ही है। तो देखो हम पॉजिटिव वे में ही सारी चीजें सोचें तो सब कुछ चीजें हैं। तो जो ये मैंने कंटेंट रखा, ये जिनका मैंने नाम लिया था, उन्होंने कल रात को कमेंट में चीजें की, तब मुझे एक चीज है ना हिट की कि यार बहुत हो गया, अब है ना ये चीजें शेयर करनी पड़ेगी, कि कुछ का कुछ भी सोच लो आप अपने दिमाग में तो ये चीजें सही नहीं है, है ना, फिर वो गलत चीजें फैलती चली जाती है, तो वो चीजें गलत है, और अच्छा सोचो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो बस यही मेरा कहना है, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की जरूरत है, और मेरा जो मैसेज है सिर्फ पॉजिटिव वे में है लोगों के लिए, और जो मेरे रिश्तेदार है उन लोगों के लिए भी मेरे पॉजिटिव वे में ही है। मैं बहुत शांति प्रिय मैसेज दे रहा हूँ आपको, जो कोई भी है समझदार को इशारा काफी है, सब समझ गए होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और मैं कोई लड़ाई में बिलीव नहीं रखता, मैं कोई मार पिटाई नहीं करने वाला किसी भी तरह की, मैं सिर्फ और सिर्फ समझदारी से और सही ट्रैक पे जाते हुए लोगों को मजा चखाऊंगा, फिर सही ट्रैक इन द सेंस की पुलिस और कोर्ट कचहरी। चलो गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, और कंटिन्यूअसली व्लॉग्स आएंगे आप लोगों के पास। बस थोड़े दिन में इन दिन चीजों में उलझा हुआ था, तो इस वजह से ये चीजें नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जानबूझकर प्लान कर करके चीजें की जा रही थी मेंटली हिट करने के लिए, बहुत सारी चीजें, और वो सारी चीजें मुझे समझ में आती है कि जानबूझकर कौन अड़ंगी अड़ा रहा है, जानबूझकर कौन कौन फंस रहा है। तो बस यही है, थैंक यू।